ये चुनाव एक मैसेज दे रहा है पूरे देश के अंदर। जिनके पास बुद्धि नहीं रहेगा वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बुद्धि जिसके पास रहेगा वो समझ रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी और असद ओवैसी जी ये मिलके कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर हड़कंप है। कलेजा चाहिए, कलेजा ये सब करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, नफरत का दौर है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोग जहर उगल रहे हैं, और उस दौर में बनारस का यह ब्राह्मण का लड़का असद ओवैसी जी के मजलिस का कैंडिडेट होता है और कहता है कि बनारस मोहब्बत का शहर है, आई लव यू। मर्दे हमने इंसान पैदा बनेगा कि जानवर, हम लोग प्यार करते हैं, तुम नहीं करते, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, तुम जलो, लेकिन दीपक की तरह भाजपाइयों के लिए ये बात मैं कहता हूं हमारे ससुरालों से जो ट्रक पे पीछे नहीं लिखा रहता है जलो मगर दीपक की तरह, मैं कहता हूं आरएसएस वालों को, अच्छा इत्तफाक से आप लोग कभी सामना होगा देखिएगा, भाजपा का कोई नेता मेरा सामना नहीं कर पाता बनारस में। जब हम जब इधर से जाएंगे ना तो उधर से देखता है तो उधर ही निकल लेता, क्योंकि मैं दौड़ा लेता हूं। अरे वोट दिया हूं, वोट दिया हूं, नौकर हो हमारे एमपी एमएलए मतलब जनता का नौकर चपरासी जुटा हुआ अपने गुमान में दौड़ रहा है कड़कता कुर्ता पहन करके 18 गाड़ी लेकर। आप लोग अपनी हैसियत और औकात और ताकत नहीं जान रहे हैं, इसलिए उन लोगों का मन बड़ा हुआ। खमचबा जब ना तब रस निकली पिए के मिली पी के मजा लेवल जाई। हमारा रोटी छीनोगे, हमारा जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। आप बताओ आपका बुनकरी का पैसा बिजली फ्लैट रेट पर मिल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का उस दौर का ये प्रोग्रामिंग था, खास करके बनारस के बुनकरों के। क्यों बनारस के बुनकरों के लिए मिला? क्योंकि बनारस की अपनी एक विरासत है, बनारस की साड़ी, उसको बचाना था, संस्कृति है बनारसी साड़ी, बनारस किसी हिंदू और मुसलमान का नहीं है, बनारसी साड़ी हमारी विरासत है, हमारा जमीर है बनारसी साड़ी है कि नहीं है, उससे रोटी मिलता है गुरु, वहां हिंदू और मुसलमान नहीं चलता चाचा। लोग कहते हैं कि बनारस से आ रहे हो तो बनारसी साड़ी लेते आना, तो गर्व से पूछना पड़ता है, अब पूछता भी कि कितने वाला चाहिए, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, बताओ बनारसी साड़ी खरीदने के कितने बड़े हैसियतदार हो, आओ बनारस खरीद, हमारी विरासत है। इस पे हमला किया गया, जानते हैं क्यों? क्योंकि अडानी और हमारे ऊपर आफत मत गिराए भाई। हाँ देखा मजाक बहुत होगा, सभा हो हम मिजाजी आदमी इला बनारसी इला खूब भेड़ को बनारसी देखी ला ना तो लगा ला कि खूब बतियावे लगा जाओ, लेकिन बतियावे के समय नहीं हो, इस समय बदला लेवे के समय हो। 7 के छठवां बतन पतंग पर मन करी तो दे दिया, नहीं तो अपने अपने घर जाके चाय पानी पिया का कर जाएगा, लेकिन गुरु न्याय करिएगा और हमारी इज्जत मत करिएगा। तो कम से कम देश में एक विपक्ष का नेता है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है।